सो हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, उठ गई हूँ मैं सुबह सुबह और ये है सर्गी का टाइम। सो मैं अभी लगभग 5 बजे के आसपास उठी हूँ और मैं अभी सर्गी खाने की तैयारी में हूँ। तो नहीं है क्योंकि अभी भी नींद आ रही है ना, इसीलिए। और बता दो, बाहर पूरा अंधेरा है। ब्रश करके फ्रेश होके जब मैं किचन में आई तो इतने सुबह सुबह कैसे भूख लग जाएगी दोस्तों। तो मैंने एक छोटा सा पपाया था, उसमें 5-6 पीसेस निकले, वो लिया और एक बनाना लिया। सो मैं बैठ के खाया मैंने। सो जैसे कि मैंने खा लिया है सर की किचन, मैंने वापस वैसे कर दिया है। चलो चलो बस, ठीक है। तो सुबह का टाइम था इसलिए ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया, बस एक केला आधा पपाया छोटा सा ही था, खा लिया। चलते हैं फिर सोते हैं थोड़ा, 1-1.5 घंटा। अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और मैं अब फिर से सोने जा रही हूँ। तो सर्गी खाने के बाद दोस्तों मैं सो गई थी वापस, ठीक है। फिर 7 बजे उठने के बाद मैं रेडी हुई, अपना पूजा पाठ किया और अब जा रही हूँ किचन में, क्योंकि कुकर चढ़ा दिया। अब फटाफट सबके लिए खाना भी बनाना है, तो सोचा कि क्यों ना आज सिंदूर से अपनी पूरी मांग भर लूँ एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह, और उसके बाद हम चलते हैं किचन में। दाल डाल दिया, अभी इनको चाय बना के लिया। अभी चलो, उसको पकने के बाद फटाफट चावल डाल देंगे और सब्जी बना लेंगे, फिर रोटी के लिए भाभी आ जाएगी, हेल्प कर देगी मेरी। चलो आज काफ़ी लेट हो गया है दोस्तों, आज करवा चौथ है, शॉपिंग करनी है, शाम को करवा चौथ मनाना है, एक दूसरा टायर होगा। तो पहले तो समझ में नहीं आता दोस्तों कि मैं क्या बनाऊँ सबके लिए, ठीक है। जब समझ में आया तब रुकी नहीं, फिर मम्मी का नाश्ता, हम लोगों का खाना, क्योंकि उपवास तो सिर्फ मेरा और भाभी का ही है, बाकी तो सब लोग खाएंगे ही। सो सारा काम भी हो गया दोस्तों, और अभी 1:30 बज रहा है, और आज ही के दिन मेरा पूरा हाथ फट गया है, ठीक है। सो यहाँ से लेके जहाँ नीचे तक हल्दी लगाया है वहाँ तक पूरा कट गया है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये अभी ताज़ा ताज़ा ही कटा है दोस्तों, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर हल्दी लगा ली है ताकि उसकी ब्लीडिंग बंद हो। और अभी हम लोग शाम को जाएंगे जेपी, ऐसा था कि अभी जाके मैं कुछ हेल्प तो करा नहीं सकती, तो शाम को जाएंगे दीदी के घर पे और वहाँ पे मनाएंगे करवा चौथ, ठीक है। उसकी तैयारी करते हैं जो भी है, पहले रेस्ट कर लूँ मैं। तो हम सब ने कर लिया थोड़ा रेस्ट, और जैसे ही 4 बजा सब उठ गए, सोना को थोड़ा हल्का सा नाश्ता कराया, उसके बाद हम निकल गए सामान इकट्ठा करके जेपी के लिए। और देख सकते हो सोना ने अपना जो दूध का ग्लास था कितने अच्छे से पकड़ा है, ऐसा कि बाकी जो है वो जेपी जाके फिनिश करेंगे। तो वो बहुत अच्छे से संभाल रही थी अपना ग्लास का दूध, और पहुँच गए हम जेपी। सोना अपना दूध खाने पीने के लिए टाइम लगाती, इसलिए हम लोग यहीं पर लेके आ गए कि यहाँ पर खाएगी और मैं रेडी हो जाऊँगी। बेचारी कितने टेक केयर के साथ लेके आई है। ये व्यू मुझे बहुत डरावना लगता है, पता नहीं क्यों। आ गए हम दीदी के घर पे, और देखो दीदी ने बहुत बेचारी ने फुर्सत से हम सबके लिए इतना सारा खाना बनाया। देखने से लग रहा है कि सेवई है और पनीर की सब्जी है और शायद बिरयानी है, पूरी है, अभी से मुंह में टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे लोग, दीदी बिजी है, यहाँ पे लोग का पढ़ाई चालू है। पढ़ाई चालू है तुम लोग का? कर सोना को खिलाने पिलाने के बाद मैं लग गई दोस्तों अपने आप में रेडी होने के लिए, क्योंकि यही एक टाइम है जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, एक साड़ी पहनना और एक मेकअप करना। तो फटाफट साड़ी पहन लिया और दीदी ने उसमें मेरी मदद की, और उसके बाद मेकअप लगा लिया। दो मुझे साड़ी पहनना आता है दोस्तों, लेकिन कुछ ओकेजन रहता है तो हमें हेल्प की ज़रूरत लगती है, और यहाँ हो गई मैं रेडी पूरा। अब मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने के लिए। Oh,
ये हो गई हमारी चौथ मैया की पूजा पूरी, और जितना भी हमें चढ़ाना था हम सब ने मिलके चढ़ा दिया। और जैसे दोस्तों आज पूजा का मुहूर्त तो जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए हमारी पूजा भी जल्दी हो गई। अब इसीलिए हम सब बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, और जो आदमी लोग हैं वो चांद के इंतज़ार में हैं कि कब चांद निकलेगा, कब ये लोग फ्री होंगे। सो तब तक हमारा ऐसा था क्यों ना कुछ फ़ोटो सेशन कर लें, जो आज हमें इतना अच्छा टाइम मिला है। सो इसी में हमारे गप्पे और बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेशंस हुए हैं। वो विवाहित स्त्री अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, इसलिए विवाह कर रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, चांद अभी निकला नहीं और पूजा हमारा समाप्त हो चुका है, इसलिए हम सब बैठ के गप्पे मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब करें क्या। लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि चांद आया नहीं, निकला नहीं है। सो जब निकलेगा तब सब जाएंगे देखने, इसलिए गप्पे मारिए। हमारे जीजा, और जीजा कैसे हो? अरे अच्छा, नहीं दिखा रही आपको, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही दोस्तों। इतना ज़्यादा मेरा हाथ कट गया और ये मैं ठंडा तो नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इंतज़ार करते करते बज गया है 10 और अभी तक चांद नहीं आया, क्योंकि ये मैं निकाल देती हूँ और आप लोग मुझे बताना कि मैं विद नथ और विदाउट नथ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चांद आ गया, आवाज आ गई, चलो चलो चलो। देखो गाइस, सबको निकाल करके मामा के पास है। हम ही चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। पिट्टू आ रहे, जाओ आरे जाओ, दरवाजा भारी है, जाओ। एक पत्ता पानी में गया, छपा तो चले, हम चलेंगे। यहाँ थाली देख सकते हो, छलनी देख सकते हो, सोना को देख सकते हो। और हम जैसे नीचे गए दोस्तों, चांद बिल्कुल नहीं था, मौसम बहुत ठंडा था और हवाएं बहुत तेज़ से चल रही थी। सो दीदी जुगाड़ कर रही थी, उस दीवार के पीछे जाके दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, और फिर हल्की सी चांद की रोशनी में दीदी और भाभी करवा चौथ मना के चले गए। पर मैं रुकी थी और बाद में थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे से चांद निकला। उनको देख के मैंने अपना उपवास तोड़ा और मैंने उनकी पूजा की। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि चांद बहुत अच्छे से दिख रहे थे दोस्तों। और ऐसा था ना कि बारिश का टाइम था, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि भाई चांद नहीं दिखने वाला, बट लकीली मुझे चांद अच्छे से दिखे और मैंने अपनी पूजा संपन्न की। देख रहे हो कि दिया जलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि हमें कार का यूज़ करना पड़ा, उसमें मैंने दिया जलाया, उसी में इनका चांद से छन्नी से चेहरा देखा, उसके बाद मैंने कार से बाहर आके आगे का प्रोसीजर किया। देख सकते हो, और चांद बहुत सुंदर दिख रहा था दोस्तों आज। मामी पूरा चांद निकला था, पानी पीला, मामी पूरा चांद निकला था। बस अब भैया का पैर छुओ, उनको पानी पिलाओ, पहले पैर छू लो उनका। ये ब्लॉग का बन रहा है क्या? हाँ, क्रिकेट वाला। ये पापा अभी फोटो कर रहा हूँ। उधर देख, काम उधर देखो, कहीं नहीं चल, अब फोटो निकालो के लिए। कितना अच्छा निकल गया दीदी, देखा? सो हमारा फाइनली इंतजार करते करते कितना गिल्लू, 10:30 बजे ना, 10:30 बजे आया। एंड थैंक्स टू गिल्लू, ये था मोटिवेट
करने के लिए और अपने मामा को होल्ड करके रखने के लिए, नहीं तो इसके मामा बिल्कुल तैयार नहीं थे कि रुकने के लिए। चलो हो गया ना हमारा फाइनली हो गया प्यास बुझी। मामा कुछ आप बोलना चाहते हो चांद के बारे में? इग्नोर, कुछ बोलो। फ्रस्ट्रेट है वो, रात को 11 बज रहे लेट हो गए इसलिए हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं। तो चलो बाय बाय। भैया भाभी चले गए थे दोस्तों कार से, हम छूट गए थे पीछे। जैसे कि मैंने ज्वेलरी पहनी थी तो ऐसा था कि अगर रिक्शे से जाएंगे कोई देख के चोरी वीरी हो गई तो, इसलिए मैंने पूरा का पूरा चेंज कर लिया ताकि कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये देखिए जहाँ मुझे कटा था मैंने अभी यहाँ पे राई का तेल गुनगुना करके लगाया है। सो दोस्तों मेरा यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म होता है, आप कुछ देर तक मेरे फ़ोटोज़ इन्जॉय कीजिए करवा चौथ के। मेरा ये व्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मेरे इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड यस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ रहा फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।